सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जॉर्ज बर्नार्ड शो के एक ऐसे के बारे में जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश और ब्रोकन इंग्लिश। अब आपको इस ऐसे का नाम सुनते ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इंग्लिश के बारे में कुछ बात होने वाली है, तो आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शो बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि परफेक्ट इंग्लिश बोल सके। कोई भी इंसान जो है परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकता, चाहे वो कोई वेल एजुकेटेड पर्सन हो, चाहे वो कोई अंग्रेज ही क्यों ना हो। आप अगर दो ब्रिटिशर्स को भी आपस में बात करने के लिए खड़ा कर दोगे ना, तो वो भी कहीं ना कहीं इंग्लिश में गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। तो कोई भी इंसान जो है परफेक्ट तरीके से इंग्लिश नहीं बोल सकता। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि चलो मैं सपोज करता हूँ कि आप कोई फॉरेनर स्टूडेंट हो, यानी कि आपकी जो मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं है, आपकी मातृभाषा कुछ और है, आप इंग्लिश नहीं जानते हो। तो आप कहीं ना कहीं ये तो चाहोगे कि भाई मैं भी इंग्लिश बोल सकूँ, मुझे भी इंग्लिश आए, मैं भी इंग्लिश में बात कर सकूँ। अब भाई हर इंसान चाहता है कि हम भी इंग्लिश बोल सकें, ताकि कोई भी इंसान अगर हमारे साथ इंग्लिश में बात करे तो हम भी जो है उसका जवाब दे पाएं, हमें नीचा ना देखना पड़े। अब वो बोलते हैं कि चलो आप चाहे कोई फॉरेनर स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं ब्रिटेन में ही रहते हो, अगर आप ब्रिटेन में ही कहीं पर रहते हो जहां पर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज चलती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक इंसान भाई परफेक्ट तो होता नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्टली इंग्लिश तो नहीं बोल सकता, आइडियलिस्टिक इंग्लिश नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आप चाहे कोई फॉरेनर हो, चाहे ही आप कोई नेटिव हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब बहुत से लोगों को लगता है भाई हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, हमारी तो जिंदगी बर्बाद है, हमें तो जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन भाई जॉब और इंग्लिश का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब वो कहते हैं कि मैं जो हूँ ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन कम्युनिटी का मेंबर हूँ, वहाँ पर मेरा काम ये है कि जितने भी इम्प्लॉयज़ वहाँ पर आते हैं मुझे चेक करना है कि उनको अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है, मतलब करेक्ट इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती है। अब करेक्ट इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि भाई वो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हों, कहीं पर भी कोई गलती नहीं करते हों, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ भी जानते हैं अगर वो किसी दूसरे को बताना चाहते हैं तो वो अपनी बात को समझा पाए, बस इतनी सी इंग्लिश। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, आप अंग्रेजों की तरह बात कर रहे हो, नहीं। आप जितना भी जो है किसी इंसान के साथ बात करना चाहते हो अगर आप उसको अपनी बात समझा पा रहे हो, दैट्स अ करेक्ट इंग्लिश। तो यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शो बोलते हैं कि मैं उस कम्युनिटी में यही चेक करता हूँ कि जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं वो करेक्ट इंग्लिश बोलते हों। अब वो कहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है ना उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि इंग्लिश जानते हैं, या इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा हाई एजुकेटेड पर्सन हैं। अब वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं जानते, वो बहुत सारी अलग चीज़ें भी जानते हैं, उनको बहुत सारी नॉलेज भी है। और मेरे जो जो कम्युनिटी है वहाँ के जो चेयरमैन हैं वो खुद एक पोइट लॉरिएट है, मतलब कि वो जो है जितनी भी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होती है उस सब चीज़ों की स्पेशलिस्ट है, मतलब कि वो बताते हैं कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, तो वो एकदम स्पेशलिस्ट है। लेकिन जब वो आपस में बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं। उनको लगता है कि भाई मैंने तो अच्छे से प्रोनाउंस करा इस वर्ड को, लेकिन इस इंसान ने अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करा। जॉर्ज बर्नार्ड शो बोलते हैं कि अच्छा आपको लगता होगा कि भाई बड़े बड़े वर्ड्स की बात हो रही है, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल जो वर्ड्स होते हैं ना, यस और नो, उसको भी जो है ये इनको लगता है कि ये अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे हैं, दूसरा बंदा अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इनको ऐसा क्यों लगता है? जॉर्ज बर्नार्ड शो बोलते हैं कि इनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये अलग अलग रीजन से हैं, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। कोई स्कॉटलैंड से है, कोई स्विट्जरलैंड से है, कोई किसी और जगह से है, है ना, कोई बैली से है। तो हर एक इंसान अलग अलग जगह से है, इनफैक्ट अमेरिका से भी बहुत सारे लोग हैं। तो हर एक इंसान अलग अलग जगह से है, उनके बोलने का तरीका अलग अलग है। वो बोल तो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज ही रहे हैं, वो बोल तो इंग्लिश ही रहे हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका, उनका टोन अलग अलग है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो मान लीजिए आप राजस्थान से हैं, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपकी हिंदी बोलने का तरीका अलग होगा, यूपी वाला बंदा अलग तरीके से हिंदी बोलेगा, क्या कहते हैं पंजाब वाला बंदा अलग तरीके से हिंदी बोलेगा। तो उनकी जो टोन होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो प्लेस के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी जो बोलने का तरीका है वो कैसा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कह दें कि भाई ये इंसान अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा इस वर्ड को, हमने अच्छे से प्रोनाउंस करा है, ऐसे तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि भाई हमें खुद को नहीं पता कि भाई आइडियलिस्टिक इंग्लिश क्या है, हमें खुद को नहीं पता कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। हम तो बस अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं कि भाई हाँ इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन क्या हमें किसी ने आके बताया है कि इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करना है? नहीं ना। तो हम खुद जो है किसी से जान करके ये सब कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर हम अच्छे से किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, अगर कोई इंसान दूसरे तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है तो वो गलत है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे राइटर भी यही बोलते हैं कि हर एक इंसान अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करता है। अगर आप यूपी से हैं तो आपकी बोलने
बोलने का तरीका अलग होगा, अगर आप केरला से हैं तो आपके बोलने का तरीका अलग होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सही तरीके से बोल रहे हो, केरला वाला बंदा गलत तरीके से बोल रहा है, या फिर केरला वाला बंदा सही तरीके से बोल रहा है आप गलत बोल रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी ही सारी बातें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कर किसके साथ रहे हैं, तो ये सारी बातें वो एक बच्चे से कह रहे हैं जो बच्चा फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है, यानी कि इंग्लिश सीख रहा है, ताकि जब भी वो इंग्लैंड जाए तो वहाँ के लोगों के साथ वो परफेक्ट तरीके से बात कर सके। यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, जब भी तुम इंग्लैंड जाओगे तो तुम्हारा सारा भ्रम टूट जाएगा, तुम्हें लगता है ना कि इंग्लैंड के लोग परफेक्ट तरीके से बात करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी टूटी फूटी इंग्लिश में ही बात करते हैं, उनको भी अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, वो भी टेंसेस मॉडल्स का यूज़ नहीं करते हैं, वो भी जैसा उनको आती है ना वैसे ही बोलते हैं। हम लगे रहते हैं कि भाई मॉडल सीख लो, जो है टेंसेस सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, परफेक्ट इंग्लिश ऐसे आएगी वैसे आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जैसे आती है, जैसे आपके दिल में से आवाज़ निकलती है, बस वो बोलते जाओ। बस ये ध्यान रखना है कि जो आगे वाला इंसान है वो आपकी बात को समझ जाए, बस इतना सा आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पर जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि लंदन आपको लगता होगा कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे वहाँ पे लोग, लेकिन वहाँ पर 1000 में से 999 लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे तरीके से इंग्लिश तो क्या, बहुत बेकार तरीके से इंग्लिश बोलनी आती है। वो इतनी बेकार इंग्लिश बोलते हैं कि इंग्लिश बेचारी खुद शर्मा जाए अपनी बात पे कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है मुझे, तो इंग्लिश खुद शर्मा जाए उनकी बातों को सुन के, इतनी ख़राब इंग्लिश वो बोलते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनको जो है एजुकेशन की कमी है उनके अंदर, वो वेल एजुकेटेड नहीं है, ऐसा तो नहीं है, उनको जैसे आता है, जैसे उनकी रीजनल लैंग्वेज है वैसे वो बोलते हैं। अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो एक लाइन बोलते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, वो कहते हैं डू नॉट स्पीक स्पोकन इंग्लिश, डू स्पीक ब्रोकन इंग्लिश। अब इस लाइन का मतलब ये है कि हमेशा परफेक्ट इंग्लिश बोलने के पीछे मत भागो, हमेशा जो है टूटी फूटी लैंग्वेज बोलो, टूटी फूटी इंग्लिश बोलो। इससे क्या होगा ना, जो सामने वाला इंसान होगा ना वो भी ह्यूमिलेटेड नहीं होगा, उसे ऐसा फील नहीं होगा कि भाई मैं तो यहाँ का इंसान हूँ, मुझे खुद को इंग्लिश नहीं आ रही है, बाहर वाला बंदा इंग्लिश बोल रहा है अच्छे से, मुझे ही नहीं आ रहा तो मेरा क्या फ़ायदा है। उसको भी ह्यूमिलेटेड फील नहीं होगा और आपकी बात को वो समझ भी पाएगा। अगर आप ब्रोकन इंग्लिश बोलते हो यानी कि टूटी फूटी भाषा में उसे समझाते हो तो वो आपकी बात को कहीं ना कहीं समझ भी जाएगा और आपको जो है वो हेल्प ही करके देगा। लेकिन अगर आप उसके साथ में एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोलोगे, अब मान लो कि सामने वाला बंदा इंग्लिश नहीं जानता, उसे टूटी फूटी इंग्लिश आती है, चाहे वो ब्रिटेन का ही बंदा है। अब भाई कोई इंसान अगर किसी ऐसी जगह से बिलोंग करता है ब्रिटेन के अंदर ही जहाँ पर लोकल लैंग्वेज चलती है, उसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, अब आप इंडिया से जाकर के बिल्कुल ऐसे परफेक्ट इंग्लिश सीख करके उससे बात करोगे इंग्लिश में और उससे कुछ पूछोगे तो कैसे बताएगा, उसे तो नहीं आएगा भाई बताना, तो वो सोचेगा कि यार मैं तो ब्रिटेन का हूँ, इंडिया वाला अच्छे से बात कर रहा है, मुझे जो है ब्रिटेन में रहते हुए इंग्लिश नहीं आ रही, तो वो ह्यूमिलेटेड फील करेगा, वो नीचा देखेगा, उसे लगेगा कि भाई मैं तो कितना बेकार हूँ, तो उसको भी वहाँ पे बुरा लगा और आपकी भी हेल्प नहीं हुई। अगर आप उसके साथ में ब्रोकन इंग्लिश में बात करते, टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते तो शायद वो आपकी बात को समझ जाता और आपकी हेल्प भी कर देता। तो यहाँ पर राइटर यही बोलते हैं कि हमेशा जो है ब्रोकन इंग्लिश को प्रेफर करो। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप जब कहीं पे जाओ मत घूमने, फॉरेन कंट्रीज में मत जाओ, भाई जाओ लेकिन वहाँ पर ब्रोकन इंग्लिश में बात करो, टूटी फूटी इंग्लिश में बात करो, ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी आपकी बात को समझे। तो यहाँ पर आपका जो ऐसे है वो कंप्लीट होता है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इन्हीं लाइनों के साथ इस ऐसे को कंप्लीट करते हैं। तो होप सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको कोई और वीडियो का एक्सप्लेनेशन मेरी आवाज़ में चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं उस वीडियो का नाम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।